अस्सलामुअलैकुम, तौफीक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी पापड़, मज़ेदार पापड़, चटपटा पापड़ और बहुत ही यमी बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में। आप ट्राई कीजिए और जो है ना अपने बहुत ही इंजॉय करें पापड़ के साथ। और हमेशा अल्लाह पाक से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे तहे दिल से दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तहे दिल से दुआ है आप सबके साथ, मेरी दुआ है बहन भाइयों के साथ। जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो, मेरी दुआ आप सबके साथ है बहन भाइयों के साथ। अल्लाह आप सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहो आबाद रहो। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है इसमें, और मैं आप सबको पापड़ दिखाता हूँ। कुछ मैंने थोड़े से जो है ना ये ले लिए थे पापड़, बहुत ही यमी और टेस्टी। आप लोग जो ये जो ना जो है ना ब्लैक कलर में जो है ना ब्लैक पेपर और ये इसमें जो है ना अजवाइन है, तो आप ना सोचिएगा ये अजवाइन है। आप लोग देख सकते हो जो काले काले हैं वो अजवाइन के हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही यमी और क्रिस्पी बनेंगे हमारे पापड़। तो एक डालकर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप लोग पापड़ कितना बड़ा हो गया है, बड़ी साइज़ का हो गया है। तो आप लोग जो है ना पापड़ को है ना पूरा सेक लीजिएगा, कहाँ से भी नार है पापड़ देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रह रहा है तो मैं इसको और भी जो है ना मज़बूत जो है ना इसको पका रहा हूँ। तो आप लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पापड़ बहुत ही यमी और क्रिस्पी बन गया है, झटपट बन जाती है ये रेसिपी। मेरे पास कुछ टूटे हुए पापड़ भी थे तो मैंने उनको जो है ना इसमें डाल दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी पापड़ बन गया है हमारा। ये झटपट से बनते हैं और ये बनाने में भी आसान है बहुत ही, इसमें कोई स्पेक्ट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। आप लोग इसमें से जो है ना इजीली ऑयल निकाल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो कितने यम्मी और टेस्टी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें थोड़ी सी ना हाथ की मदद से आमचूर पाउडर जो है ना इसके चाट मसाला आपके पास हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर लेकिन इसमें जो है ना आमचूर पाउडर और चाट मसाला की जो है ना बहुत ही चटपटा सी आती है।
स्वाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास चाट हो या आमचूर पाउडर, तो आप ऐसे ही छिड़क के आप जो है ना इसका मज़ा लें और खाएं, अपने घर वालों को भी खुश रखें आप। तो यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर दी हैं। आप लोग भी ऐसे ही आमचूर का पाउडर जो है ना ऐसे छिड़क के फिर जो है ना खा लें। तो यहाँ पे बहुत ही पापड़ टेस्टी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में आप भी ट्राई कीजिए, और अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।